बता रहे रायपुर से, जहां सीएम बघेल के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। फाफाडीह और रमण मंदिर बोर्ड के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। फूलछाप कांग्रेसियों को पार्टी से बाहर करने की मांग। टिकट वितरण को लेकर नाराज हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से नाराज हुए सीएम बघेल, नारेबाजी करने वाले कार्यकर्ताओं को नोटिस देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, टिकट वितरण को लेकर नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने ही, जिसके बाद बघेल नाराज नजर आए। उन्होंने उन कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी करने की बात कही है। तो फूल छाप कांग्रेसियों को बाहर करने की मांग इन कार्यकर्ताओं ने की, और विरोध जताने के चलते उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने ही नारेबाजी शुरू कर दी थी। और इस प्रदर्शन के बाद से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नाराज हो गए। उन्होंने उन कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो सीएम बघेल के सामने कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। दरअसल फूल छाप कांग्रेसियों को पार्टी से बाहर करने की मांग कर रहे थे ये कांग्रेसी कार्यकर्ता। और इस घटना के बाद से सीएम बघेल नाराज हो गए। उन्होंने उन कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, उनके खिलाफ नोटिस जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हेमंत शर्मा फोनलाइन से जुड़ गए हैं। हेमंत, क्या पूरा घटनाक्रम रहा, नाराजगी कैसे जाहिर की मुख्यमंत्री बघेल ने, और इन कार्यकर्ताओं की बातों को क्या सुनने की भी कोशिश की है मुख्यमंत्री बघेल ने? देखिए बुसरा, सीएम भूपेश बघेल आज कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर राजीव भवन पहुंचे हुए थे। वहां पर पीसीसी अध्यक्ष और तमाम कांग्रेसियों के साथ उन्होंने झंडा फहराया। उसके बाद वो कुछ देर के लिए राजीव भवन में रुके थे, लेकिन जैसे ही वो राजीव भवन से बाहर आ रहे थे, तभी जो रमण मंदिर और फाफाडीह वार्ड के जो कार्यकर्ता है वो वहां पर नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी उनका ये था कि फूलछाप कांग्रेसियों को बाहर करो। उनका आरोप यह था कि गलत टिकट कांग्रेस के द्वारा बांटी गई है, इसीलिए दोनों वार्ड में कांग्रेस की हार हुई है। इसी बीच मुख्यमंत्री जब नीचे आए और उतना देख के वो तमतमा गए और नाराज हो गए, फिर कार्यकर्ताओं को कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस भवन है, यहाँ पर नारेबाजी नहीं चलेगी। आपको अगर परेशानी है तो आप कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष से बात करिए। इतने में जो कार्यकर्ता है जो लगातार नारेबाजी कर रहे थे वो चुप हुए, और इसके बाद वहां से सीएम भूपेश बघेल रवाना हो गए। हालांकि इसके बाद पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी वहां पर दोनों जो तमाम कार्यकर्ता है उनको समझाया, और उसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने जो कार्यकर्ता है जो नारेबाजी कर रहे थे उनको नोटिस देने का भी निर्देश दे दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत।